वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया पर धन वर्षा हो रही है, दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। इस दौरान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बधाई के साथ एक बड़ी प्राइज मनी देने का भी ऐलान किया है। बीसीसीआई के इस अनाउंसमेंट के बाद प्राइज मनी की काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि ये अमाउंट है 125 करोड़ रुपए का। बीसीसीआई की ओर से भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि आखिर इस अमाउंट को किस तरह बांटा जाएगा। लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि हर खिलाड़ी के खाते में अच्छे खासे पैसे आएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितने पैसे का अनाउंसमेंट होता है, उतना पैसा खिलाड़ी को नहीं मिलता है। सरकार की ओर से पहले इस अमाउंट का टैक्स काट दिया जाता है और उसके बाद बची हुई राशि खिलाड़ी को दी जाती है। तो जानते हैं कि इन पैसों पर कितना टैक्स कटने वाला है। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने बताया कि भारतीय क्रिकेट टीम को एक प्राइज मनी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी की ओर से भी दी जाएगी। आईसीसी विजेता टीम को 2.45 मिलियन डॉलर यानी करीब 20 करोड़ 42 लाख रुपए देगी। इसके अलावा साउथ अफ्रीका की टीम को 1.28 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 10 करोड़ 67 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं बीसीसीआई की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम को 125 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जो काफी बड़ा अमाउंट है। अब जान लेते हैं कि आखिर कितना टैक्स लगेगा इस अमाउंट पर। अगर खिलाड़ियों को मिलने वाली इस अमाउंट की बात करें तो इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं और दोनों स्थिति में अलग अलग टैक्स व्यवस्था है। इस बारे में टैक्स एक्सपर्ट बताते हैं कि ये पैसे दो तरीके से खिलाड़ियों को दिए जा सकते हैं। अगर खिलाड़ियों को ये पैसे उनकी फीस के साथ प्रोफेशनल फीस के रूप में दिए जाएंगे तो पहले इस अमाउंट पर 0% TDS काट लिया जाएगा। इस अमाउंट पर सेक्शन 194 जेबी के हिसाब से TDS काटा जाएगा। इसके बाद ये पैसा उनकी इनकम में दिखेगा और ITR में इनकम टैक्स का फैसला होगा। उन्होंने बताया कि अगर ये अमाउंट प्राइज के तौर पर दिया जाता है तो अलग टैक्स व्यवस्था है। प्राइज मनी के रूप में अगर टैक्स दिया जाता है तो इस पर सरकार की ओर से पहले 3% TDS काट लिया जाता है। इस स्थिति में सेक्शन 14B के तहत 30% तक टैक्स काट लिया जाएगा और बाकी अमाउंट भारतीय खिलाड़ियों को दे दिया जाएगा। उनका कहना है कि अभी इस अमाउंट को प्राइज मनी ही बताया जा रहा है, ऐसे में खिलाड़ियों को 30% तक टैक्स देना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी एक खिलाड़ी के हिस्से में 1 करोड़ रुपए आते हैं तो करीब 30 लाख रुपए TDS के रूप में कट जाएंगे और खिलाड़ी को करीब 70 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खिलाड़ियों के खाते में कितने पैसे आएंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।